राजधानी देहरादून की, जहां पर पुलिस ने पुष्पांजलि ग्रुप पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने पुष्पांजलि बिल्डर्स ग्रुप और उसके पीछे के सहयोगियों 14 खातों को फ्रीज कर दिया है। इनके खातों में तकरीबन 205 करोड़ रुपए के लेनदेन भी मिला है। इन्होंने इस पैसे को कई जगहों पर भी निवेश किया है, बैंक के खातों को खाली भी करवा दिया है। वहीं कुछ पुलिस को मित्तल दंपति के विदेशी खातों के बारे में भी जानकारी मिली है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि 2020 में कुछ निवेशकों ने पुष्पांजलि बिल्डर्स के खिलाफ में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने ग्रुप के मालिक दीपक मित्तल, पत्नी राखी मित्तल और राजपाल बलिया के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग के लिए इसमें करीब 10 मुकदमे दीपक मित्तल एंड उसकी कंपनी जो उसमें इन्वॉल्व थे उस पर दर्ज थे। इसमें गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज था। इसमें सप्लीमेंट्री गैंग चार्ट के आधार पर जो दीपक मित्तल के फादर अश्वनी मित्तल उन पर भी केस रजिस्टर्ड हुआ था। इस पर टीम ने उनको हरिद्वार से जो है गिरफ्तार किया है और इसमें न्यायिक हिरासत में उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो समस्त जानकारी एसआईटी टीम से मिली उसमें यह पता चला कि 41 अकाउंट अभी तक हमारी टीम ने जो है विभिन्न स्रोतों से जानकारी करके जो इसमें अकाउंट के ट्रांजेक्शन चल रहे थे उसको किया, जिसमें 200 करोड़ से ज़्यादा इसमें ट्रांजेक्शन थे। कुछ एनआरआई अकाउंट्स भी पुलिस टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन मिले हैं जो फॉरेन में बेस्ड है। साथ ही साथ जो अभी अक्यूज को अरेस्ट किया गया है उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं इसमें देखा गया है कि विदेशों में पैसा भेजा गया, किन परिस्थितियों में, सोर्स ऑफ इनकम क्या थी उस पैसे की, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन और गैंगस्टर का जो मुकदमा लिखा है उसके तहत 14(1) के तहत ये इसमें इन्वेस्टिगेशन में आएगा। साथ ही साथ इसमें जो अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ट्रेसेस मिले हैं जिसमें एक बिल्डर, साथ ही साथ एक CA और एक फिल्म डायरेक्टर की बात भी आ